देश भर में बैंकों की हड़ताल है, तो बैंकों में दो यूनियन से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिवाली की छुट्टियों के चलते भी बैंक चार दिन जो है वो बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर सीधा जो है असर पड़ेगा। तो एक बार फिर से देश भर में बैंकों की हड़ताल, दो यूनियनों की तरफ से ये हड़ताल जो है वो की जा रही है। तो वहीं दिवाली के चलते भी लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बैंकों की हड़ताल और छुट्टी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की दिवाली को फीका कर सकती है। तो बैंकों की देश भर में हड़ताल है, दिवाली पर इतने जो दिन है वो कहीं ना कहीं बैंक बंद रहेंगे। तो ऐसे में बैंक की हड़ताल और छुट्टी के चलते लोगों की दिवाली जो है वो फीकी पड़ती नजर आ सकती है, क्योंकि दो दिन की हड़ताल जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। दो यूनियन ने ये हड़ताल बुलाई है। तो आज देश भर के जो बैंक कर्मी हैं उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही कि उनको मिले जो है वो नहीं किया जाए। और इन्हीं मांगों के चलते आज देश भर में एक बार फिर से बैंकों की हड़ताल है। जहाँ आज हड़ताल है तो वहीं चार दिन की छुट्टी के चलते ऐसे में इसका जो सीधा असर है आम जन पर पड़ता हुआ नजर आया। तो बैंक से जुड़े दो यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की है और इस हड़ताल का असर जो है वो पूरे देश भर में आज देखने को मिल सकता है। तो बता दें कि सरकारी बैंकों की हड़ताल है, जिसकी वजह से कामकाज जो है वो आज ठप रहेगा। सभी बैंकों ने ग्राहकों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। तो बैंकों से जुड़े दो यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की है।